तो जगमग इनकी जिंदगी हो जाए, इससे बड़ी चीज क्या होगी, क्योंकि सबको जगमग यही कहते हैं ये बिजली विभाग के कर्मी। लेकिन जगमग करने की कवायद चल रही है, झारखंड के सचिवालय में भी उसे रिनोवेट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट भवन के साथ नेपाल हाउस और एफएपी भवन को भी नया लुक दिया जा रहा है। नया लुक आकर्षक है और पहली नजर में किसी फाइव स्टार होटल का एहसास दिलाता है। एक रिपोर्ट देखिए आप। पिछले 3 महीने से झारखंड सचिवालय में रिनोवेशन का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट भवन के गलियारे को नया लुक दिया गया है। दरों दीवार को वुडन फिनिश देकर नेम प्लेट के नीचे ब्रेल लिपि में नाम उकेरा गया है, ताकि नेत्रहीन भी पढ़ सके कि वो किस अधिकारी का कमरा है। कॉरिडोर में बेहतरीन पेंटिंग और आगंतुकों के लिए सोफा सेट भी लगाए गए हैं। यहाँ तक कि बाथरूम को भी मॉडर्न हाइजीनिक लुक दिया गया है। भवन निर्माण के सचिव के मुताबिक ये अधिकारियों और कर्मियों को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश है। कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पे, पदाधिकारी काम करते हैं, उनको एक तरह का एक बेटर एनवायरनमेंट कैसे हम लोग दे सकें। और आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका निरीक्षण किया था बहुत पहले, तो उस समय मतलब बहुत ही पैथेटिक कंडीशन जिसको मैं कह सकता हूँ पाई गई थी, जिसपे मात्र आप कह सकते हैं कि किसी तरह से लोग अपना बैठने की जगह नहीं थी, प्रॉपर बैठने की जगह नहीं थी। वर्क कल्चर सुधारने के लिए माहौल का अच्छा और हाइजीनिक सुंदर होना बेहद जरूरी होता है। नेपाल हाउस की बिल्डिंग पुरानी थी, नेपाल हाउस के अंदर विशेष साज सज्जा की गई। सीढ़ियों को भी बेहतरीन वुडन डिजाइन से मजबूत और खूबसूरत बनाया गया है। सचिवालय के बाद सरकार के सभी गेस्ट हाउस को भी आधुनिक लुक दिया गया है, ताकि राज्य की छवि बेहतर बने। पहले भी यहाँ पे रैम की फैसिलिटी थी और कई बिल्डिंगों पे प्रॉपर नहीं थी, तो उस फैसिलिटी को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से करने का प्रयास किया है। और जो एक जो ब्रेल लिपि है जिसको, उसको भी हम लोगों ने उनके जो बोर्ड लगाए हैं पदाधिकारियों के। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हर भवन में दिव्यांगों के लिए एक रैंप और नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में नेम प्लेट डिजाइन किया गया। प्रोजेक्ट भवन में एएफपी बिल्डिंग को भी नया रूप दिया गया है। सचिव के मुताबिक 90% काम कम्प्लीट हो गया है। की जो जिलों के सर्किट हाउसेस है उनको बहुत व्यापक रूप से हम लोगों ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी में चेंज करा रहे हैं। हम लोग कलेक्टेड बिल्डिंग्स है, अभी आप देखेंगे हजारीबाग कलेक्टेड को अगर आप जाके देखें, उसकी वीडियोग्राफी करें, तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि इस मतलब इट्स नॉट इन झारखंड एक्चुअली, इट्स अ टोटली डिफरेंट प्लेस। अब जिलों की बारी है। पहले ही बजट में घोषणा हो चुकी है कि चतरा समेत 4 जिलों के समाहरणालय भवन नए बनाए जाएंगे। राज्य के तमाम गेस्ट हाउस और समाहरणालय भवन को भी इसी तर्ज पर आधुनिक और हाइजीनिक बनाया जाएगा। सच है, वर्क कल्चर सुधारने के लिए बेहतर और हाइजीनिक माहौल बेहद जरूरी होता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।